सबसे पहला जो इंसेंटिव प्लान होता है वो, तो इंसेंटिव प्लान को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान एंड एंटरप्राइज इंसेंटिव प्लान या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो बेसिकली इंडिविजुअल आपके जो इंसेंटिव प्लान होते हैं वो होते हैं आपकी सेल्स के ऊपर कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना आपका इंसेंटिव आएगा या फिर बोनस आएगा या फिर मेरिट पे आएगा। तो अगर आपने ज्यादा सेल्स कर ली तो आपका ज्यादा सेल्स का इंसेंटिव आ जाएगा। फिर होता है ग्रुप परफॉर्मेंस, ये अगर आपके पूरे ग्रुप ने कोई टारगेट अचीव कर लिया तो आपका एक ग्रुप परफॉर्मेंस या फिर टीम कंपनसेशन अलग से आता है। जैसे कि जो वर्कर होते हैं उनको ग्रुप इंसेंटिव प्लान में रखा जाता है कि अगर आपके पूरे ग्रुप में, क्योंकि वर्कर में ऐसा होता है कि कोई भी वर्कर अकेला किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाता, एक पूरी लाइन होती है जिसमें हर मशीन के ऊपर उस प्रोडक्ट को रिफाइन किया जाता है। तो हर एम्प्लॉइज का या फिर हर वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उनके लिए स्केलॉन प्लान बनाया जाता है जिसमें जो सारे वर्कर होते हैं उनकी अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो ज्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तो उनको एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान दिया जाता है। फिर आता है एंटरप्राइज इंसेंटिव प्लान। तो बेसिकली इसमें एम्प्लॉइज को जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके स्टॉक प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट दे फील एसोसिएटेड विद द कंपनी। एंड बिलीव मी दीज ई शॉप्स वर्क इन अ वेरी वेरी बेटर वे। आई हैव पर्सनली सीन इट कि जिन लोगों ने किसी स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में ज्वाइन किया था और उनको उस कंपनी में या फिर उस स्टार्टअप में ई शॉप मिली थी, उसकी जो 5 साल बाद या फिर 6 साल बाद उनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आई विल गिव यू अ सिंपल सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, कल को आप अगर ओयो को 2013 में ज्वाइन कर लेते जब ओयो की वैल्यूएशन लगभग 15-20 लाख के आसपास थी, तो उस टाइम पे आपको जितने भी शेयर इशू होते ओयो की तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो 0.5% ही अगर शेयर मिलता ओयो में उस टाइम पे, और आज ओयो की जो वैल्यूएशन है वो है $10 बिलियन। $10 बिलियन मतलब 70,000 करोड़। सो यू कैन इमेजिन कि $10 बिलियन का 1% हो गया कितना, $100 मिलियन, और उसका आपको 0.5% मिल रहा है, इसका मतलब $50 मिलियन। $50 मिलियन इज समवेयर अराउंड 350 करोड़ रुपए। तो अगर आप एक किसी कंपनी को 7 साल पहले ज्वाइन करते तो आज आपकी सैलरी तो गई बहुत बाद में आती। सैलरी इज नॉट अ थिंग, सैलरी आप कितना अर्न कर लोगे 7 साल में, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख। बट आपकी ई शॉप की जो वैल्यूएशन है वो हो गई है 350 करोड़ के आसपास। सो यू कैन फील द पावर ऑफ ई शॉप। तो मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करें तो वहां पे ई शॉप जरूर सब्सक्राइब करा लें। बट ई शॉप के भी काफी ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस होती हैं। एक क्लिफ पीरियड होता है, एक वेस्टिंग पीरियड होता है। आपको समझा देता हूँ क्लिफ और वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली आप अगर किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं तो वो बोलता है कि आपका एक क्लिफ पीरियड होगा 1 ईयर का, एंड वेस्टिंग पीरियड होगा 4 ईयर का। इसका मतलब कि कम से कम आपको 1 साल स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा तभी आपको ई शॉप मिलेंगी, और 1 साल काम करने के बाद आपको हर साल कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ई शॉप्स मिलती रहेंगी। जैसे कि आपको 50 शेयर मिलते रहेंगे हर साल, 100 शेयर मिलते रहेंगे हर साल। तो पहले साल के बाद वो शेयर शुरू होंगे और हर साल 100-150 शेयर मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने पर्सनली देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अमेजोन में काम करते हैं एंड उनको हर साल एक शेयर मिलता है अमेजोन का, और एक शेयर की वैल्यू अमेजोन के $1,000 लग, 70,000 रुपये एक शेयर की वैल्यू अमेजोन की। So you can understand that. So apart from their salary, incentive and everything, they are getting 1 share of Amazon every year. And वो बढ़ता जाता है कि पहले साल 1 मिला, दूसरे साल 2 share मिले, तीसरे साल 3 share मिले, चौथे साल 4 share मिले, ऐसे वो बढ़ते चले जाते हैं। So basically, company में जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को और भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईपीएफ जिसमें उनकी जो 12% बेसिक सैलरी होती है उसका डिडक्शन होता है, और उस ईपीएफ के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि जितने भी एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम करते हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है वो सभी सैलरी को काफी लोग उड़ा देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे एम्प्लॉइज के पास पैसे नहीं बचते कहीं यूज करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया था कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ होगा जिसमें 12% उनका सैलरी का डिडक्शन होगा। तो अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आपका लगभग 5,500 रुपये के आसपास डिडक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ईपीएफ फंड के अंदर आएगा और वो ओवर टाइम कलेक्ट होता जाएगा, सो दैट
चार पांच साल के आसपास आपके पास लगभग 1-1.5 लाख रुपए ईपीएफ के अंदर हो जाए, तो कभी भी कोई इमरजेंसी आए, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, तो वो उस ईपीएफ फंड को यूज कर सके। और बेसिकली इस ईपीएफ फंड के ऊपर 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि लगभग काफी है। मतलब आई मीन इन्फ्लेशन रेट 4% है, तो 8% इंटरेस्ट रेट इज काइंड ऑफ इनफ। फिर आता है ईडीएलआई। बेसिकली इसमें हर एम्प्लॉय को 0.5% जो बेसिक सैलरी होती है उसके बेसिस पे एक टैक्स फ्री इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करनी होती है। ये अभी रिसेंट जो चेंज हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, बट पहले ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। अभी मैं आप लोगों को फटाफट दो असाइनमेंट के क्वेश्चन दे देता हूं। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू डू दीज क्वेश्चन, इससे आपकी यू नो थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी एंड इससे यू कैन ऑल्सो एबल टू पुल आउट सम सॉल्यूशन फॉर द कंपनी। सो मैंने दो सिचुएशन रेडी की हैं जिसमें कंपनी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, एंड बेसिकली क्योंकि आप एक एचआर के स्टूडेंट हैं, आपने एचआर के मॉड्यूल काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, सो यू गॉट अ गुड आइडिया दैट हाउ टू सॉल्व दीज डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच आर हैपनिंग इन द कंपनी। सो बेसिकली यू नीड टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स। एंड पहली प्रॉब्लम है एक टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट विद द सिमिलर पोजिशन एंड वन ऑफ द एम्प्लॉय इन योर कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रमोशन एंड सैलरी हाइक गिवन टू हिम व्हेन कंपेयर्ड विद द सेकंड एम्प्लॉय एंड इज कंप्लेनिंग टू एचआर फॉर नॉट कंसिडरिंग हिम फॉर प्रमोशन, व्हाट विल यू डू एज ए एचआर मैनेजर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके दो एम्प्लॉयज हैं, उनको एक ही डिपार्टमेंट में है, सेम काम दिया गया है, सेम ही उनकी प्रोडक्टिविटी है, बट उनको जब हाइक मिला सैलरी हाइक तो एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया, एंड वो जो जिसको कम मिला है वो कंप्लेन कर रहा है एचआर से। तो बिकॉज यू आर एचआर मैनेजर तुम क्या करोगे। तो स्पेंड सम टाइम, इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। आप जिस तरीके से सोचोगे ये आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी है, पर्सनल पावर है, आप जो भी डिसीजन लोगे, हाउ टू कन्विंस दैट पर्सन एंड उसको कैसे कैसे बताना है कि आपको क्यों नहीं मिला या फिर अगली बार मिलेगा तो कब मिलेगा एंड कौन कौन सी चीजें आपके साथ हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर द सुपरवाइजर इन अ डिपार्टमेंट एंड टू ऑफ योर एम्प्लॉयज स्क्वैबल्ड ओवर अ क्लाइंट एंड हेंस इट इज अफेक्टिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम, व्हाट विल यू डू। तो बेसिकली आप एक कंपनी में सुपरवाइजर हैं, आपके दो एम्प्लॉयज को एक क्लाइंट मिला और उस क्लाइंट को यू नो डील करने के चक्कर में दोनों आपस में झगड़ चुके हैं, तो आप और बेसिकली क्योंकि वो आपस में झगड़ चुके हैं और दोनों का काम एक दूसरे का यू नो मिक्सअप रहता था, तो उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डैमेज हो रही है। सो इस केस में आप क्या करोगे, कैसे उन एम्प्लॉयज को समझाओगे, कैसे उनसे बातचीत करोगे, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सो ये दो क्वेश्चन है। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आप इन दोनों क्वेश्चन का अपने वे में कोई आंसर लिखें, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट डायनेमिक्स इन अ कंपनी रियली वर्क्स। सो मैं इस कोर्स को खत्म करता हूँ एक ब्यूटीफुल कोट के साथ, एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आपने इन छह मॉड्यूल के अंदर जितना कुछ भी सीखा है, अगर आप उससे 1% भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर 1% भी आपके यू नो ओवरऑल पर्सनैलिटी में कुछ सुधार आया है, आपने कोई चीजें सीखी हैं, आई फील दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि हमें लगता है कि हम एक ही बार में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आप लाइफ में 1% करके चीजें सीखते हैं। आई हैव पर्सनली लर्नड ओवर ईयर्स, मैंने बहुत सारे सालों में हर साल हर महीने 0.5% करके चीजें करके सीखी हैं, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू डू दीज काइंड ऑफ कोर्सेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप लाइफ में हर पॉइंट पे धीरे धीरे सीखते हैं, एंड आई फील आप लोगों ने इस कोर्स को एनरोल किया सो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, एंड अगर आप उसका 1% भी आने वाले टाइम में 3-4 साल में अगर आप लेके जाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड तब तक आप अपना ध्यान रखो, आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई दैट। एंड अगर आपको और ज़्यादा कोर्सेज अवेल करने हैं मेरे से रिलेटेड, क्योंकि मैंने और बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस, कुछ डेटा एनालिस्ट के कोर्सेज भी हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, यू विल गेट मच बेटर आउटपुट फ्रॉम इट। एंड अगर आपके कुछ और भी डाउट्स वगैरह हैं, तो आई ऑल्सो गॉट अ यूट्यूब चैनल नेम रीडिफाइन, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी लेटेस्ट वीडियो सुनाता रहता हूँ रीडिफाइन के नाम से यूट्यूब पे, आप वो चैनल भी देख सकते हैं, यू विल ऑल्सो लव दैट काइंड ऑफ कंटेंट। सो तब तक आप अपना ध्यान रखो, एंड अगर आप लोगों ने और कोर्सेज दिए तो आई विल कैच यू देयर इन नेक्स्ट कोर्स और नेक्स्ट वीडियो। सी यू देयर।